संसद आज गंगो पहुंचे, किस प्रोग्राम को लेकर? आज पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन था, इसलिए उनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर जोश आपने भी देखा और मैंने भी देखा, मन बहुत प्रफुल्लित है, गदगद है, जबरदस्त मजा आ गया भाई साहब। आप हरियाणा से आते हैं, पश्चिम का आपको हाथ दी गई है, जी किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं, संस्कृति मिलती है, रोटी बेटी का संबंध है, हमारी बेटियां इधर भी आई हुई हैं, यहाँ की बेटियां वहाँ भी गई हुई हैं, तो रोज का आना जाना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अपने परिवार और अपने घर में ही आया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह देश के अंदर योगी जी और मोदी जी की जोड़ी मशहूर है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो योगी जी कर रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व तो मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी का इतना जोर है, सभी विपक्ष इस वक्त छटपटा रहे हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो सीधे सीधे उन्हीं वो छदम लड़ाई लड़ते हैं। आज कोई काम ऐसा नहीं जो जिनकी सरकारें रही जो आज विपक्ष के अंदर हैं वो ये बता सकें कि हमारे टाइम में ये अच्छा काम हुआ था और योगी जी ने वो बंद कर दिया। और इस योगी जी की सरकार के तो अनेक ऐसे काम हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समाज बोलता है, लोग बोलते हैं कि जिस तरह गुंडा राज था पहले, बदमाशों का बोलबाला था, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं थी, कोई पुलिस सुनती नहीं थी, लेकिन आज योगी जी के राज में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और आदमी ज़्यादा मैं कहूँ, हमारी बेटियाँ और बहनें आज हम सबकी हैं, आपकी, हमारी सब सांझी बेटियाँ, सब बहुत खुश हैं योगी जी के दोबारा। आप सांसद हैं, प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि बिल समाप्त करने का निर्णय लिया था, किस निर्णय? ये मैंने अभी ओपन में बोला कि परिवार के अंदर कई बार इन चीज़ों पे सहमति नहीं बनती, परिवार का एक मेंबर कहता है कि इससे परिवार को फायदा होने वाला है, हमारा आज भी मानना है, माननीय देश के प्रधान में मानना है, ये कृषि कानून सही मायने में किसान की आमदन बढ़ाने वाले कानून थे, उससे फायदा मिलने वाला था किसान को। मैं खुद किसान ही हूँ, मेरे पिता, मैंने बताया, 87 साल की उम्र में आज भी खेती करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, तो इसका बहुत फायदा था। लेकिन समय की बात है, आज बात है, उनको नहीं समझा पाए, हम नहीं समझ पाए, तो मुझे 100% मेरा विश्वास है कल को यही अपने किसान भाई कहेंगे कि वो ये कानून हक में थे और लगने चाहिए। लेकिन अभी मोदी जी ने अपना बड़ा मन भी किया और आपकी बात को मान लिया, लेकिन कई बार हैरानी भी होती है कि सामने वाले की बात को माना भी गया फिर वो मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, ये नहीं समझ में आई बात। लगता है आपको जो नाराजगी देखने को मिली थी वो दूर हो जाएगी? ना ना, ऐसा नाराजगी वो भी एक तरह से प्रोपोगंडा ही था, आम किसान आम आदमी से हम बात करते थे इस तरह, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि वो भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए थे, बार बार डराया जा रहा था कि जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, नागरिकता संशोधन कानून, तो मुसलमानों को यहाँ पर कहा गया कि जब ये कानून लागू हो जाएगा आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो कानून लागू हो गया, कोई एक भी मुस्लिम भाई बताए कि किसी को बाहर निकाल गया। इस तरह ये कृषि बिल से एक भ्रम पैदा किया गया कि किसानों की धरती खुस जाएगी, जबकि कुछ उस कानून का धरती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बात को क्लियर नहीं कर पाए और उसमें विरोधी ज़्यादा सफल रहे, लेकिन फिर भी उनकी बात को बड़ा करते हुए, इसमें सवाल हार जीत का नहीं था, देश का था, मोदी जी ने मन बड़ा करते हुए गुरुपूर्व के दिन ही गुरुओं को साक्षी मानकर उनकी रस्म को कहा, और कई जगह मैंने देखा लोगों ने खुशी भी मनाई, लड्डू भी बांटे, लेकिन मुझे यहाँ नहीं समझ आई कि यहाँ वहाँ लोगों के मुँह क्यों, कभी उनकी मंशा कुछ और होगी जो पूरी नहीं हुई। आपको लगता है पीएम के घुटने से भी धराशायी हो गया? नहीं, मैं इसका विश्लेषण तो समय ही बताएगा, लेकिन अब आज उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, आज उनके विपक्ष के पास बोलने को कुछ है नहीं, जो चलाकी थी उनकी सारी चलाकियाँ खत्म।